हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके चैनल पोर्टल एक्सप्रेस में। दोस्तों आज का हमारा क्वेश्चन है, द कॉम्प्लेक्स नंबर हैव टू पार्ट्स रियल एंड इमेजिनरी, इन विच डेटा टाइप आर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट रिप्रेजेंटेड। ये क्वेश्चन है सुमिता अरोरा क्लास 11 के चैप्टर डाटा हैंडलिंग के टाइप ई का क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर रिटर्न फॉर्म में चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट पर जा सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में यानी कि गूगल पर आप जाके सर्च कर सकते हैं। दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन बोल रहा है, द कॉम्प्लेक्स नंबर हैव टू पार्ट्स रियल एंड इमेजिनरी, इन विच डेटा टाइप रियल एंड इमेजिनरी पार्ट रिप्रेजेंटेड। मतलब कौन से डेटा टाइप में ना कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, यानी रिप्रेजेंट मतलब कि इनपुट कर सकते हैं। ठीक, तो कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग ना पाइथन में टू टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक तो इंटीजर हो गया और दूसरा फ्लोटिंग पॉइंट। पर लेकिन जो मेन एक्यूरेट जो होता है वो होता है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, तो इसका आंसर होगा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। ठीक है, आप इंटीजर में भी कर सकते हैं, जैसे 33 प्लस जे जो पहला क्वेश्चन था, पिछला क्वेश्चन था, तो उसमें भी देखिए दोस्तों 33 जो था वो इंटीजर के फॉर्म में था। पर लेकिन आप वहाँ पे ये भी लिख सकते थे 33.0 प्लस 0 मतलब 0.1 जे, ये सब भी लिख सकते थे, कोई गलत नहीं है। पर लेकिन यहाँ पे पूछा हुआ है कि कौन से डेटा टाइप में रिप्रेजेंट किया जाता है मेनली, तो वो है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। तो ये था हमारा क्वेश्चन, आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों अगर कोई भी क्वेरीज पूछना तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए, हम उसका रिप्लाई देने की जरूर कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, थैंक यू।